अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब देख रहे हैं स्क्रीन रिव्यूज। मेरा नाम है काशिफ शहरी और मेरे साथ मौजूद है जब्बार यावर। जी तो व्यूअर्स, आज आपको अपने चैनल में फिर से खुशामदीद कहते हैं और एक गाना जो कि इस वक्त ट्रेंडिंग पर है उससे हम लेकर आए हैं ताकि उसे हम सुने, उस पर अपने रिएक्शंस दें और उस पर अपना रिव्यू रिकॉर्ड करवा सकें। ऐसे ही तो जो गाना इस वक्त ट्रेंडिंग पर चल रहा है जिसे पाकिस्तानी और खासतौर पर इंडियंस ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उसका नाम है तू है कहां। हम दोनों तो ऐसे स्टूडियो में हैं लेकिन हम जिस गाने का रिव्यू देना जा रहे हैं उसका नाम है तू है कहां। तो जबार पहले म्यूजिक सुनते हैं, अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करवाते हैं, फिर रिव्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जिंदगी को ले रहा मजा कट बहुत अब्रप्ट था। होंगे तुमने चोरी भर के फूल जो के रह गया था शाख ही। ये वो यूनिवर्सिटी के बच्चों वाली फीलिंग दे रहा है, पहला पहला प्यार। मोहब्बतों का कोई हिसाब नहीं है, तेरी आंखों में मेरे लिए कोई ख्वाब नहीं है। सारे वो झूठे वादे जो किए जाते हैं। इतनी मुद्दतें हुई है, तुमने खत क्यों नहीं भेजा। गा लेता हूं तेरे लिए मौसिकी। व्हाट्सएप का जमाना है, खत का इंतजार कर रहा है। कट्स बहुत ऑफ बीट है और आशियां तुम मैं मुझे बहुत इरिटेट कर रही है। लो क्वालिटी शूट है नहीं, लो क्वालिटी के साथ साथ एस्थेटिक नहीं है। हाँ, आप बात क्या कर रहे हो, बात क्या कर रहे हो, दिखा क्या रहे हो। ये फोन पर तो नहीं एडिट हुआ हुआ, हालांकि कैमरा देखे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा कैमरा यूज हुआ हुआ है। इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, मतलब इस तरह का स्टूडियो और साइजिंग है, लेकिन यूज करना प्रॉपर शायद नहीं आया है। जमार इसमें जैन को इन्होंने जबरदस्ती जो है ना करने की कोशिश की है। मुझे लगा आई थिंक कुछ बैकग्राउंड शायद कुछ वो ना हो कि इनकी कोई बातचीत हुई हो या उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ बना, क्योंकि वी डोंट नो द बैकग्राउंड ऑफ दिस ऑल। तो अभी मतलब अगर हमने बिल्कुल एक रॉ पर्सपेक्टिव से देखा तो जैन का कुछ होना ना होना बराबर से लग रहा है। पर जैन का एक जो गाना हमने एक बहुत मशहूर गाना था और उसकी एक अपनी वाइब्स थी। जैन के अपने दूसरे जो सॉन्ग थे उनकी भी अलग वाइब्स है, तो ये गाना कुछ जचा नहीं। और जैन जिस तरह का मतलब म्यूजिक करते पाकिस्तानी अमेरिकन है, वो जिस तरह का वो खुद म्यूजिक करते हैं, इस गाने से उनका कोई लिंक बन नहीं रहा था, लेकिन बस एक फिट करने की कोशिश। अच्छा, वैसे काशिफ अगर मैं म्यूजिक से इस गाने को देखूँ ना, तो म्यूजिक की जबान में शायद ये गाना था ही नहीं। ये बातें थी जो कि स्केल पे की गई, ये बातें थी स्केल पे की गई, उसको जो हम रैप म्यूजिक कहते हैं मेरे ख्याल से स्लो रैप की तरफ। हाँ, स्लो रैप की तरफ, जिस तरह हमारे यंगस्टर्स जिस तरह गाते हैं उन्हें यूथ सुनती है, तो इस तरह के गाने न जाने क्यों जो है यूथ में बहुत मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। लेकिन अगर देखें ना आप इसमें सिंगिंग वाइज देखें तो ना आपको प्रॉपर कहीं सुर पक्के नजर आ रहे थे, ना आपको उतार चढ़ाव नजर आ रहा था। इट वॉज सेम थिंग जो कि एक बात कही जा रही है, तो ये बातें ये बातें थी। और शायद अगर आप जाके स्टूडियो में रिकॉर्ड करें, प्लस बहुत ज्यादा ट्यूनर इस पे लगा हुआ था, मतलब ये रॉ वॉइस नहीं थी। अच्छा, तो ये ट्यून क्योंकि आजकल इस तरह के गाने चल रहे हैं, जिस तरह तस्वीर में फिल्टर्स लग रहे हैं इस तरह आवाज भी फिल्टर लग रहा है, तो इस तरह यूज करते हुए आप क्या मैं क्या कोई भी मतलब गली से किसी को भी मैं उठाऊ ना तो वो गाना गा, ये इस तरह का अगर आप गाना इसे करें तो ये चीज गा सकता है। बहरहाल लिरिक्स भी इतने कोई खास नहीं थे, जिस तरह सही थे, मतलब मैं इसको अगर मैं ग्रेड करूं जिस तरह पाकिस्तानी इंडस्ट्री में म्यूजिक और इस तरह तमाम चीज चल रही है, तो 7 out of 10। नाइस, मैं शायद 6 या 5.5 के करीब जाऊंगा। उसका रीजन ये था कि मुझे ना एक तो गाना अट्रैक्ट नहीं कर सका, और अगर मैं रिव्यू ना दे रहा होता ना तो शायद मैं अभी तक नेक्स्ट सॉन्ग कर चुका था। वो आप कभी कभार सॉन्ग सुन रहे होते ना, एकदम कोई गाना आता है और फिर अगर आपको पसंद नहीं आता आप चेंज कर देते हैं। सो बिकॉज इतनी हाइप लोगों में क्रिएट हो चुकी है और हम रिएक्शन दे रहे थे, तो ये चीज मैं कर नहीं सकता था, लेकिन आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। मुझे सही है, लिरिक्स कुछ हद तक अच्छी थी। यानी आप अगर कहीं स्मोक वोक कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो फिर आप सुन सकते हैं। हाँ, आप अगर स्मोक कर रहे हैं तो मैं करता नहीं हूँ इसे स्मोक, और जो है ना तो ये सीन नहीं, मेरा मतलब ये था कि यंगस्टर्स जो कर रहे होते हैं यूजली ऐसे ही होता है कि, और बल्कि बहुत ही सैड चीज है क्योंकि एक बहुत बैड इन्फ्लुएंस हमारे यंगस्टर्स में आता है जब अपने दोस्तों के साथ इस तरह की महफिलों में बैठते हैं। बहरहाल आई डोंट थिंक वी नीड टू
go ahead of this, like बस इतना ही, बहुत आगे नहीं जाते। इसको यही वाइंड अप करते हैं व्यूअर्स, और कमेंट्स के थ्रू आप हमें बता सकते हैं कि आपका क्या रिव्यू है इस सॉन्ग को लेकर। तो आज की वीडियो को यही वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जवाई यावर और काशिफ शायरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।